फ्यूरेल, फार्मूला C4H4O। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली जो मेथड है वो है पॉल नॉर सिंथेसिस। पॉल नॉर सस्पेंशन पाल नॉर सस्पेंशन रिएक्शन क्या होगी उसकी तरफ चलते हैं। हेक्सेन 2-4-dione डायोन कौन सा फॉर्म है इसका? कीटो फॉर्म। हमने रिएजेंट लिया हेक्सेन 2-4-dione कीटो फॉर्म इसलिए क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप है। इसका हम लोग रीअरेंजमेंट है टोटोमेरिज्म देख रहे हैं, समावयवता कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म देख रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है उसकी तरफ चलते हम लिख रहे हैं CH3COH। ये जो C डबल बॉन्ड O है यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा किधर चला जाएगा और यहां पे क्या रह जाएगा CH। हम इसको लिखेंगे CH ठीक। यहां पर भी क्या हो गया वापस CH, यहां पर C के साथ में CH3 यहां पर क्या हो गया OH। डबल बॉन्ड कहां पर आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। रीअरेंजमेंट किया हम लोगों ने, क्या हो गया इनॉल फॉर्म या इसका रीअरेंजमेंट किया। अब यहां से रिएक्शन आगे चलेगी। जब ये रिएक्शन आगे चल रही है तो यहां पर एक साथ में तीन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। पहला, यदि रिएक्शन में P2O5 के साथ करवा देता हूं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ तो हमें इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिलता है, नाम है 2,5-dimethylfuran। रिएक्शन सपोज अमोनिया के साथ हो जाती है तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है, ऑक्सीजन की जगह आ जाएगा NH3। क्या नाम हो गया? 2,5-dimethylpyrrole। और रिएक्शन P2S5 के साथ हो जाए फास्फोरस पेंटा सल्फाइड तो प्रोडक्ट बन जाएगा NH के प्लेस पर आ जाएगा सल्फर। क्या नाम हो गया? 2,5-dimethylthiophene। एक ही सिंथेसिस में हमने तीनों बना दिए ठीक है। एग्जाम में यदि वो बात करें फ्यूरेन की तो हम पहला वाला P2O5 के साथ रिएक्शन कर दें, पायरोल की बात करें तो अमोनिया के साथ में, और यदि थायोफिन की बात करें तो फास्फोरस पेंटा सल्फाइड के साथ ठीक है। फ्यूरेन में ये लगे हुए ना फ्यूरेन फर्स्ट में तो ये तो थी हमारी पॉल नॉर सिंथेसिस। जब सेमेस्टर चलता था उस दौरान एक बार पूछ ली थी नाम साहित्य रिएक्शन एक्सप्लेन पॉल नॉर सिंथेसिस
नेक्स्ट डे बाय क्या लिखा हुआ म्यूसिस एसिड बाय म्यूसिस एसिड देखते हैं म्यूसिस एसिड से कैसा बनता बाय म्यूसिस एसिड हम बना रहे म्यूसिस एसिड नाम है इसका म्यूसिस एसिड म्यूसिस एसिड काम कर रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन म्यूसिस एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं अब इसके ड्राई डिस्टिलेशन पर क्या हो सकता है उसकी तरफ चलते हैं माइनस H2O और माइनस सिंगल CO क्या बचा नाम है पाइरो म्यूसिस एसिड इसको हम हीट करते हैं यहां से निकल जाएगा CO क्या बन गया क्यूरे थर्ड रिएक्शन बाय सक्सिनिक एल्डिहाइड सक्सिनिक डाई एल्डिहाइड बाय सक्सिनिक डाई एल्डिहाइड सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड की बात करें तो CH2 सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड ये कौन सा फॉर्म है इसका एंडोस फॉर्म है CHO ग्रुप है CHO ग्रुप को हम OH ग्रुप में बदलेंगे तो CHCl एक हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन का आ गया ऑक्सीजन के पास है तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया यहां पर पहले से क्या है सी एच एक और नया ग्रुप क्या आ गया OH तो पहले से था एच एच आई पी टू ओ फाइव फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड सॉरी फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं ठीक है सी एच CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH क्यूरेन बन फोर्थ रिएक्शन परफ्यूरिन बाय परफ्यूरिन CH
CHO ग्रुप है, करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा एसिड ग्रुप में, फिर करेंगे हीट माइनस CO2, फ्यूरेन इसका फॉर्मेशन हो गया फ्यूरेन का। चार इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, क्या कंडीशन है, रंगहीन द्रव, रंगहीन द्रव, भौतिक गुण में मिला है कलरलेस लिक्विड रंगहीन द्रव, बॉइलिंग पॉइंट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 32 डिग्री सेंटीग्रेड, जल में अघुलनशील, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक लाइकों में घुलनशील, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू बेंजीन, रासायनिक गुण बेंजीन के समान होते हैं, रासायनिक गुण किसके समान होते हैं, बेंजीन के समान, फ्यूरेन के अंदर हमारी हेडिंग होगी अभी केमिकल रिएक्शंस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो भौतिक गुण में हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी में कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट 32 होता है, वाटर में इनसोल्यूबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी किसके समान होती है, बेंजीन के समान इसकी प्रॉपर्टी होती है। आगे पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन, मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उसी फ्लो चार्ट से सभी रिएक्शन को बता रहा हूं ताकि याद करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले रिएक्शन हम करेंगे CH3COONO2 के साथ, नाइट्रोएसिटेट, इस रिएक्शन को कहा जाता है नाइट्रेशन, क्या होगा इसकी इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वो जाएगा CH3COO के पास, ठीक, माइनस जो होगा वो एसिडिक एसिड होगा, क्या बचा उसके पास में NO2 ग्रुप उसके प्लेस पर आ गया, क्या नाम है, टू नाइट्रो फ्यूरेन। अगली रिएक्शन होगी ब्रोमीन के साथ में, माइनस क्या हो जाएगा HBr, यहां से H निकला, यहां से Br निकला, क्या बचा हुआ है
पीआर आ गया। क्या नाम आ गया? टू ब्रोमो फ्यूरेन। अगली रिएक्शन होगी SO3 के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? पिरिडिन की प्रेजेंस में। अब यहां से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन सी SO3 एच ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। क्या नाम है? नाम बदलेगा इसका, फ्यूरेन टू सल्फोनिक एसिड। पहले हम जो ग्रुप था नाइट्रो बीआर ब्रोमो उसको आगे लिख रहे थे, इसको हमने पीछे लिख दिया। क्यों लिखा? क्या लिखा? इसको भी ये लिखना था टू सल्फोनिक एसिड फ्यूरेन, क्योंकि इसको रिवर्स लिखा। क्यों? क्लास 11th में यूनिट नंबर 11 में दिया हुआ, कक्षा 11वीं की यूनिट नंबर 11 में दिया हुआ है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर हम 11th में पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का हम सीक्वेंस पढ़ते हैं, क्रम पढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कौन है? SO3H। यदि ये आ जाता है तो जितने भी क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप है वो सब खत्म हो जाते हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा होता है। ऐसी कंडीशन में जहां पर जाके जुड़ेगा उस कंपाउंड का नाम किसके आधार पर होगा, ये डिसाइड करता है उस कंपाउंड का नाम क्या होगा। इसके बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है COOH, वो डिसाइड करता है कि नाम क्या होना चाहिए। और इसके नीचे फिर आते CO, CHO, NO2, ठीक है, जितने भी आते हैं वो जो तीसरे या चौथे नंबर के बाद जो आते हैं वो कंपाउंड जो कहता है उसके अनुसार नाम चलता है। शुरुआत के जो तीन है ना वो क्या कहते हैं कि ये हमारे अनुसार नाम चलेगा, और तीन के बाद जो है कंपाउंड कहता है कि हमारे अनुसार नाम चलेगा, तो बदल जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर नाम चलता है। तो इसका नाम होने का रीजन ये है कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो SO3H होता है। चलो नेक्स्ट है, Cl2 क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, Cl को जोड़ो। एक तो टू पोजीशन पे छुड़ेगा, एक और क्या हो सकता है, दोनों जगह 2,5-डाइक्लोरोफ्यूरेन या 2-क्लोरोफ्यूरेन। अगली रिएक्शन देखते हैं, इसमें फ्रिडल क्राफ्ट है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन होगी C2H5Cl के साथ में और SnCl4 की प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन। क्या बनेगा? यहां से निकला Cl, ठीक है, यहां से क्या निकला? H। क्या जुड़ गया? C2H। क्या नाम है? नाम बोलो, टू एथिल फ्यूरेन। अगली रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड क्या फार्मूला? एसिडिक एनहाइड्राइड का फार्मूला, एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लो, उसमें से क्वार्टर मॉलिक्यूल निकाल, जो बचे उसको लिख दो। एसिडिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, दो मॉलिक्यूल ले लो उसमें से क्वार्टर निकाल दो, जो बचे उसको लिख दो।
एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन क्या बनेगा? सीओ सी एस थ्री माइनस सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच कैसे रिएक्शन सी एस थ्री सीओ सी एस थ्री सीओ ओ एच आया इसके पास में सी एस थ्री सीओ जुड़ जाएगा। क्या नाम है? नाम टू एसिटाइल फ्यूरेन। अगली रिएक्शन गटरमन कोच सिंथेसिस। गटरमन में क्या रिएक्शन होती है? ट्वेल्थ में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था, गटरमन कोच मेन रिएजेंट है हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये क्या करते हैं? उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बदल देते हैं। तो कौन सा कर देते हैं? सी एच ओ। नाम है इसका टू फॉर्माइल फ्यूरेन। सी एच ओ यदि सफिक्स के फॉर्म में होगा तो एल्डिहाइड होता है, प्रीफिक्स के फॉर्म में होगा तो फॉर्माइल हो जाता है। नेक्स्ट, इलेवेंथ में रिएक्शन पड़ी थी गोम्बार्ग रिएक्शन। इलेवेंथ में देखिए गोम्बार्ग रिएक्शन ए आर एन डबल बोन एन सी एल। ए आर मतलब कि बेंजीन रिंग। बेंजाइल फ्यूरेन। लास्ट रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया। इलेवेंथ में भी थी और ट्वेल्थ में भी थी। कपलिंग रिएक्शन युग्मन अभिक्रिया। क्या रिएक्शन थी? एजो डाई। तो ये तो थी हमारी केमिकल रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ। इसके बाद वैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बता दिया, या फिर तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक साथ देख लेंगे। के बाद आएगा थायोफिन, फिर पायरोल।